ताली बजाकर स्वागत करो भी इसका। दोस्तों नमस्कार, 2047 में भारत का स्वरूप कैसा होगा, इस पर कुछ मेरे विचार हैं जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहना, आपकी तालियां इस महफिल की जान बन जाएगी। मुबारक हो आज मुबारक सागर जितना प्यार मुबारक, मुबारक हो आज मुबारक सागर जितना प्यार मुबारक, आप रहो खुशहाल मुबारक, आज का दिन आपको हर साल मुबारक। 2047 में भारत का स्वरूप कैसा होगा, इस पर कुछ मेरे विचार हैं। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होगा, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव होगा, शिक्षा उच्च स्तर की मिलेगी, धर्म लिंग जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक बाबा साहब के सपनों का भारत होगा, ठीक बाबा साहब के सपनों का भारत होगा। और इसी सपनों के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सबसे पहले स्मार्ट कार्ड बन जाएंगे, ऐसे स्मार्ट कार्ड जिस पर न्यूज़पेपर चलेगा, जिस पर वॉइस रिकॉर्ड होगा, वीडियो कॉलिंग होगी, वही आपका डेबिट कार्ड होगा, वही आपका क्रेडिट कार्ड होगा, ऐसे ऐसे कार्ड आ जाएंगे। और न्यूज़पेपर भी बदल जाएगा, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर एक ही रहेगा आपके घर में, रोज न्यूज नहीं आ जाएगी, न्यूज़पेपर वही रोज न्यूज नहीं, सुबह उठ के जब आप न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें नई न्यूज आ जाएगी। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है अपने देश के द्वारा। स्मार्टफोन 2047 में आपके हाथ में स्मार्टफोन रहेगा तो दुनिया हंसेगी, लोग हंसेंगे, क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना चला जाएगा। कॉपी पेन डायरी ये सब तो म्यूजियम में रखा जाएगा। अमूमन लोग कपड़े भी ऐसे पहनेंगे जो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे, ब्लूटूथ से, ऐसे कपड़े, यानी कि आपके सामने कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा तो आप उसे बिना जाने, बिना कुछ पूछे सब उसके बारे में पहले से ही जान जाओगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। गाड़ियां वाहन ड्राइवरलेस हो जाएगी, यानी गाड़ियों में कोई ड्राइवर नहीं होगा। अगर आप गाड़ी चलाना चाहोगे तो आपसे एक्स्ट्रा चालान कट जाएगा, क्योंकि आदमी से गलती हो सकती है, रोबोट से गलती नहीं हो सकती। 360 डिग्री का फुटबॉल स्टेडियम आप घर बैठे इस तरह से देख पाओगे जैसे आप स्टेडियम में ही बैठे हो। इस तरह की भी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। डॉक्टर की जगह रोबोट ले लेंगे, क्योंकि डॉक्टर से भी गलती हो जाती है, रोबोट से नहीं होगी। मरीजों के लिए 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। आपको काफ़ी पहले पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। बर्तन ऐसे हो जाएंगे जो बर्तन खुद बोल के बताएंगे कि रुक भैया रुक, अभी ज़्यादा खाना मत खा, अगर इससे ज़्यादा दुख आएगा तो तेरे को बीमारियाँ हो सकती है। तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी बहुत जल्द हम विकसित कर लेंगे। और हमारा देश विकासशील अभी है, लेकिन 2047 में पूर्ण रूप से विकसित होगा। 3D कमरे बन जाएंगे, इस तरह से कमरे, यानी कमरा एक ही रहेगा, वही कमरा आपका जिम रूम होगा, वही आपका किचन होगा, वही रूम आपका स्टडी रूम होगा। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू। खुशियों से भरी महफिल के चमकते सितारों, सर झुका के मोहब्बत भरी सलाम करता हूँ।